ये पहुंच गई हूँ नेहा से मिलने के लिए। देखो सामने खड़ी, और पागल ने पता है सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उसकी हालत देख के समझ में आ रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि क्या बात है भैया, ऐसी क्यों हो रही हो? तो बोले कुछ नहीं दीदी, सुबह से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ रहा है। तो फिर मैंने चल थोड़े से तुझे मुंगोड़े खिलवाती हूँ। नेहा क्या हुआ यार, ऐसे क्यों एकदम से कुछ ना बोल रही है? हाँ चाय पिलाऊं तुझे यहाँ से? हाँ यहाँ से पी ले, फीकी करना। भैया अदरक वाली चाय मिलेगी क्या? कम शक्कर की, कम शक्कर की अदरक वाली चाय दो दो दे दो, दो अदरक। कल से तो बीमार है वो, कल से बुखार में पड़ी हुई थी, अभी बुलाया है, लेकिन आज उसकी हालत आपको देखते ही लग रहा होगा। चला पीछे कौन है? देखो उसको कुछ होश ही नहीं है, कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है। वहाँ चाय पी रहे थे, वहाँ भी फ़ोन गिरा कर बैठी हुई थी। तो भला करे भगवान, दो लड़के थे उन्होंने बता दिया कि आपका फ़ोन गिरा हुआ है, तो फ़ोन उठा लिया। वरना देखो अब उसे कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रही है, किधर से गाड़ी आ रही है। बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा है, लेकिन हाँ उसका दर्द बोल कर वो क्या बताएगी यार, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि अभी वो किस दर्द से गुजर रही है। मैंने उसको कहा चल घर चल, खाना खा के चले जाना, तो बोलती नहीं दीदी बस आप तो ऑटो बुलवा दो, मैं तो मुझे तो अभी कहीं नहीं जाना, मैं सीधे घर ही जाऊंगी। तो फिर उसके कारण ज़िद भी नहीं की उससे ज़्यादा, ऑटो बुलवाया और उसको ऑटो में बिठा के भेजा। आराम से जाना ठीक है। 4352 कुछ और खाएगी? घबराहट हो रही है यार मेरे को तो। डॉक्टर को जाके दिखा के इंजेक्शन लगवा ले ठीक है, आराम से लेके जाना। ये ठीक है, बेफिक्र रहिए आप। और कहीं इधर उधर उतारना मत इसको, सीधे लोकेशन पे उतारना। ऐसे काहे को उतारेंगे, इधर उधर बिल्कुल धीरे धीरे चलाना। जा आज जो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब आज मैं नेहा से मिली थी ठीक है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे पास भी, मुझे डीएम्स भी किए थे कि नीतू दीदी आपको नेहा दीदी के साथ जाना चाहिए था जबलपुर, आप क्यों नहीं गई? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जबलपुर क्यों नहीं जा पाई। पहली बात तो ये कि हम लोगों का, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वो जबलपुर जाने वाली है, वो वहाँ जाएगी जबलपुर। वो रीना हमारी जो दोस्त है ना, उसकी गोद भराई में गई थी वो ठीक है। तो ऐसा पहले से पता ही नहीं था कि उसको वहाँ जाना पड़ेगा करके। और जब वो गई तब मैं वहाँ पर थी भी नहीं, मतलब भोपाल में मैं थी भी नहीं, मैं थी अपने मायके में देवास में। अगर सच बता रही हूँ, अगर मुझे पता होता ना कि वहाँ पर ऐसा कुछ जाने का होगा तो मैं उसको अकेला जाने ही नहीं देती। मैं क्या, हम लोग, हम सभी लोग, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारा ग्रुप है, हम उसको उस जगह पर कभी अकेला जाने ही नहीं देते, वहाँ पे उसको ऐसे अकेला भेजते ही नहीं। और हम लोग पता है जब हमें पता चला ना कि वो वहाँ पर जाने वाली है करके, तो हम लोग सब उससे कॉन्टेक्ट में ही थे, हम लोग उसको बराबर फ़ोन लगा रहे थे। और उसका जो दर्द है ना, वो मतलब सोचने से भी मतलब रूह कांप रही है, पता है कि वो उस जगह पर जहाँ पे मतलब उसकी ऐसी यादें हैं, बहुत मुश्किल से उसको वहाँ से हमने निकाला था, उसके घर वालों ने, उसके भाई ने, भाभी ने, मम्मी ने, पापा ने, हमने, दोस्तों ने उसके,
लेकिन जो नेहा से मैं मिल के आई हूँ ना, इतने साल लगे थे हमको उसको उभारने के लिए, वो वापस उसी जगह पे फिर चली गई। जो जबलपुर से लौटी है ना, वो नेहा ही नहीं है जिसे भेजा गया था हमारे यहाँ से, हमने भेजा जो हमारी नेहा थी। उसको देख के पता है घूम गई वो, पता है वो नेहा ही नहीं है वो। मैं उसके साथ इतने समय तक वहाँ पर रही, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा मैं उसके साथ थी वहाँ पर, लेकिन वो मेरे साथ ही नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैं उससे पूछना चाह रही थी कि तू बता क्या है, लेकिन देखो पूछने से भी समझ सब आता है यार, उसके जो दिल का दर्द है ना वो उसकी आँखों से दिख रहा है। बहुत मुश्किल था जो वो फेस करके आई है ना उस जगह पे से, शायद ही कोई लड़की, मतलब भगवान मैं क्या बोलूँ, मतलब जब उसकी वो जो वो मोमेंट हमने देखे ना, तो हमारी अंदर से आत्मा ऐसी हो रही थी एक एक चीज़ों को छू के आई है। तो वो मतलब एक तो सबसे बड़ी बात, वो बंदी एक आंसू नहीं गिराया उसने, एक आंसू। अगर इंसान रो लेता है ना तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसके मन में बहुत कुछ भर के आई है वो, पता है वहाँ से ना वो बोल रही है ना वो रो रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल सुन हो गई सब, मतलब उसमें कुछ वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है क्या बोल रही है कुछ, उसको अपने में गुम हो गई, वो फिर से पुरानी नेहा बन गई है। और उसको उभारने के लिए वापस फिर से उसको उस मुकाम पे लाने के लिए उसे वहीं ले जाना ज़रूरी लग रहा है, अब उस कमरे में उसे छोड़ना ज़रूरी लग रहा है, ताकि वो दिल खोल के रो ले, उसका मन हल्का हो जाए। उसके लिए शायद हम लोगों को उसको फिर से वहीं लेके जाना पड़ेगा, हम सब लोग जाएंगे उसके साथ में, उसको उस कमरे में छोड़ेंगे कि नेहा एक बार तू पूरा तेरे दिल में जितना भरा है निकाल दे बेटा, सब निकाल ले। अगर वो रो लेती ना तो शायद, लेकिन वो नहीं रोई ना, सबसे बड़ी बात वही है। मुझे कल उसकी हालत देख ही नहीं गई पता है, पूरे टाइम मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको थोड़ा सा समझाऊं, थोड़ा सा उससे पूछूं, उसका मन हल्का करूं, और उसके लिए शायद मुझे उसके पास फिर से जाना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि कल 11 से, तो मुझे उसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उससे जाके, मतलब क्योंकि मार्केट का माहौल ऐसा था कि मैं मतलब मैं नहीं पूछ पाई उससे। वो रोना चाह रही है पता है, उसका मन बहुत भरा हुआ है, बहुत अंदर से भरा हुआ है। वो एक तो पता है क्या है, इतना मतलब वो ऐसी है कि वो एक फ़ोन किया होगा ना उनने, वो सब भूल गई, वो पहुंच गई वहां पर। और जो इंसान ऐसा होता है ना, वो सच में बहुत दुख भी उठाता है, जो वो हो रही है शायद अभी। कल से पता रात से मतलब मेरा दिल, मतलब दिमाग ऐसा पड़ा है ना मेरा भी, उसको देखकर मिले यार क्यों, एक भगवान भी एक हद तक तकलीफ देना इंसान को तो अच्छा लगता है यार। अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा सा टाइम निकालू, अभी कल की पूजा हो जाए, उसके बाद मुझे उसके पास जाना है और उससे बहुत सारी उसकी बातें सुनना है कि उसके मन में आकर है क्या। ऐसे तो नहीं बता पाएगी वो, उसके पास जाना है, उसको वहाँ लेके जाना अब शायद लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उसको वापस उस जगह पे ले जाना, उसको वहाँ छोड़ना, ताकि तू रो, मन जी खोल के रो ले, हर चीज़ बोल के रो ले तू। पता है वो जब वो छू रही थी ना वो चीज़ों को, उसकी आँखों से अंदर से हमारी आत्मा फट रही थी पता है। आशीष जी की घड़ी, लॉकेट, वो फ्रेम निकाल रही थी ना, वो सब चीज़ें। तो मैं भी जाऊंगी उसके पास में, देखो कल परसों मैं कब जाती हूँ मैं, और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर से लाने में, बहुत मुश्किल से उसको ठीक किया था, लेकिन फिर से शायद उसको, क्योंकि नेहा को तो हम नहीं खो सकते, और उसको अगर लाना है तो उससे बहुत सी बातें,
अभी ऐसा नहीं है कि अभी आप मतलब काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे इसलिए ब्लॉग बनाना पड़ रहा है कि मैं किस कारण से नहीं जा पाई। अगर सच बता रही हूँ, अगर पहले से पता होता ना हम लोगों को कैसा है, तो मैं 110% मैं क्या, हम पूरा हमारा ग्रुप उसके साथ जाता वहाँ पे। हम कोई भी उसको अकेले नहीं जाने देते उस जगह पे, हम सब लोग साथ में उसके जाते। लेकिन वो जाना रीना के यहाँ था और एक फ़ोन आया और वो वहाँ भी चली गई, तो उसको हम लोग फिर से लेके जाएंगे उसी जगह पर, उसी कमरे में।